एवरीवन, रेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई। ये नान खटाई मैंने किसी और वीडियो से कॉपी करके नहीं बनाई, मैंने मेरे क्लास से सीखी हुई रेसिपी है। आप इसे बनाकर मार्केट में बेच भी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के रेसिपी। सेम मार्केट जैसी क्रिस्पी और खस्ती ऐसी नान खटाई हमने घर पर कैसी बनाई है, ये आप इस वीडियो में ज़रूर देखो। और इस वीडियो की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। और इसी क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए इसमें हमने डाला है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो वो क्या है आप इस वीडियो में ज़रूर देखो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है और उसके ऊपर रख दी है छन्नी। अब छन्नी में हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और बेसन हमने लिया है 50 ग्राम और मैदा लिया है हमने 45 ग्राम। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 95 ग्राम इतना बेसन और मैदा लिया है। और इसी में मैंने एक टेबलस्पून इतनी बारीक सूजी डाली है। अब सूजी डालने के बाद मैंने इसमें नमक डाला है 1/8 टीस्पून। अब एंट्री है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की जिसकी वजह से हमारी नान खटाई बनाई है खस्ता और क्रिस्पी। तो यहाँ पर हमने 1 पिंच इतना अमोनिया डाला है। और अमोनिया डालने के बाद अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर यहाँ पर मैंने डाली है 1/4 टीस्पून। तो आप अच्छे ब्रांड की ही बेकिंग पाउडर यूज़ कीजिएगा। ज़्यादा पुरानी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ करने से पहले आप वो एक्टिवेट है या नहीं एक बार देख लीजिए। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इस छन्नी से छान लिए हैं। अगर आपके पास अमोनिया नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर डाली है पीसी हुई चीनी और ये ली है मैंने 62 ग्राम। अब इस नान खटाई को हम बनाने वाले हैं बटर के साथ। तो यहाँ पर मैंने 62 से 63 ग्राम इतना बटर लिया है मेल्ट करके। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने मेल्ट किया हुआ बटर डाला है। नान खटाई एक ऐसी रेसिपी है जो बनाने में बहुत ही आसान है। बस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हमें बटर या घी डालकर एक आटा लगाना है। कमर्शियल रेसिपी होने के कारण आप इसे बनाकर मार्केट में बेच भी सकते हो। और इसकी सेल्फ लाइफ होती है 1 महीना। 1 महीने तक आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख दो तो ये नान खटाई अच्छी रहती है। अब इसके हम गोले बनाएंगे। अगर आप इसे बेचना चाहते हो तो आपको ये जो नान खटाई के गोले होते हैं इसे आपको विंग स्केल पर मेजर करके लेना है। मार्केट में जो नान खटाई मिलती है तो उसके गोले करीब 20 से 21 ग्राम इतने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 21 ग्राम इतने 2 से 3 ही नान खटाई मैंने वेट करके ली है। बाकी हमें इसे घर में ही खाना है तो मैंने हाथ से ही इसे बना दिया है। और अगर आप घर पर ही खाना चाहते हो तो आप आइसक्रीम के स्कूप से भी मेजर करके ले सकते हो, या फिर जो हमारे मेजरिंग कप स्पून होते हैं आप उससे भी मेजरिंग करके आटा ले सकते हो। तो इसी तरह एक पेड़े की तरह गोले बनाकर हमें इस बेकिंग ट्रे में रखने हैं और ऊपर से सिर्फ हल्के से उंगली से प्रेस करना है। और यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो या फिर इसे ऐसे ही बेक कर सकते हो। तो इसे हमें बेक करना है 180 डिग्री पर और हमें दोनों रॉड ऑन रखनी है। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए मेरी ये नान खटाई बेक हो गई है। बहुत ही अच्छा रंग आया है इसे। और हाँ, आप इस नान खटाई में इलायची की पाउडर भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए। मेरी इस नान खटाई की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।